बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि जो लोग आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ मेरे गरीब खाने पे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का वादा किया था आप लोगों से, राशन की तकसीम का, ताकि कल से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू होने जा रहा है, ताकि इस बाबरकत माह के अंदर आप लोग अपनी इबादत को बेहतर अंदाज में निभा पाएँ। और जब भी आप अपनी दुआओं के लिए, इबादत के लिए अपने हाथ को बुलंद करें परवरदगार से, तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा जिन लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया, कि मेरे से जो हो सकता था मैंने तो किया, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, जिन्होंने आप लोगों का सहारा बनने के लिए यहाँ पर इस राशन के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी राशन की तकसीम का जो सिलसिला है वो पूरा माह रमज़ान में इंशाल्लाह रहेगा, कि आज जो पहली लॉट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को जो सिलेक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी कि एक ही ख़ानदान के पाँच पाँच छः छः आईडी कार्ड्स जो हैं वो हमें मिले थे, जिसमें से हमारी टीम ने बाकायदा नादरा से भी सपोर्ट लेते हुए उसमें से हमने फ़िल्टर किए, ताकि एक फैमिली को एक राशन का जो है वो हम हिस्सा दे सकें। और ख़ास तौर पे इसमें हमने ये भी ख्याल रखा कि वो जो नौजवान जो ख़ुद से मेहनत करते हैं, जो ख़ुद से कमा सकते हैं, जो ख़ुद अपने घर की किफ़ालत करते हैं, वो ख़ुद से अपना ख्याल रखें। और वो ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो एज के ज़्यादा हिस्से में हैं, जिनके लिए मुश्किल होता है अपने लिए रोज़ी कमाना या अपनी फैमिली का सिलसिला चलाना, तो इस चीज़ का मेरी टीम ने बड़ा सख्ती से ख्याल रखा, जिसमें पांच छह लोगों ने और नादरा ने बाकायदा इसमें उनको सपोर्ट किया। और मेरी आज दुआ है, आप यकीन जानिए मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग जो आज राशन लेके जा रहे हैं, अगले रमज़ान में आप लोग भी इसमें हिस्सा डालें। अल्लाह पाक आप सबके हाथों को देने वाला करे। आप उन लोगों की मदद करें जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे अपने रब से बड़ी उम्मीद है कि अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका देने वाला हाथ होगा और आप लोग भी दूसरों को सपोर्ट कर रहे होंगे। और मेरा घर, मेरे दरवाज़े आप सब लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। आपने जब भी आना हो, हर जुमेरात हमारी यहाँ पे इज्तमाई दुआ होती है, आप इस दुआ का हिस्सा बना करें। आम दिनों में तो ये दुआ मगरिब के बाद होती है, लेकिन रमज़ान के अंदर ये शाम 5 बजे इसका आगाज़ होगा और इफ्तार यहीं पे होगी, कि अगर आप लोग आके मेरे साथ इफ्तार करना चाहें, आप सबको मेरी तरफ़ से खुश आमदीद है। आप मेरे साथ आके मेरे मेहमान होंगे, मेरे गरीब खाने के मेहमान होंगे, कि आप जुमेरात को तशरीफ़ ला सकते हैं।